नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। अब वक्त है एक मिनट में पूरी रिपोर्ट का। देश में एक बार फिर से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी एक बार फिर से 2 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। कहां कहां पर क्या रेट हुआ है सीएनजी का, रिपोर्ट देखिए। सीएनजी के दामों में 6 दिनों में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। बढ़े हुए दाम के बाद दिल्ली में सीएनजी का रेट 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गया है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी का दाम 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलो पहुंच गया है। गुरुग्राम में भी सीएनजी के दामों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। गुरुग्राम में इसका रेट 83 रुपए 94 पैसे प्रति किलो हो गया है। रेवाड़ी में सीएनजी का दाम 86 रुपए 7 पैसे प्रति किलो कर दिया गया है। करनाल और कैथल में 87 रुपए 40 पैसे प्रति किलो हो गया है। सीएनजी के बढ़े हुए दामों का असर टैक्सी और कैब सर्विस पर काफी देखने को मिल रहा है। जब से सीएनजी के दामों ने आसमान छूना शुरू किया है, ओला उबर की राइड भी महंगी हो गई है। आलम यह है कि कुछ दिन पहले तक टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर थे, या तो सीएनजी दामों को कम करने की अपील की जा रही थी या फिर उनका रेट बढ़ाने की मांग थी। अब एक बार फिर जब सीएनजी के दाम बढ़े हैं, इसका सीधा असर टैक्सी और दूसरी कैब सर्विस वाली गाड़ियों पर पड़ने वाला है। महंगाई का डोज लगातार लोगों को मिलता रहा है, अब फिर कब मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ, बढ़ती महंगाई परेशान जरूर कर रही है। अगली खबर आय से अधिक संपत्ति के मामले में। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 26 मई को सजा पर बहस होगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया। चौटाला को सजा कितनी होगी, इसको लेकर अब 26 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने 2 दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला मौजूद रहे। कोर्ट की तरफ से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ गयी। वो जीवीटी भर्ती घोटाले में पिछले साल 2 जुलाई को तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। बता दें, सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से अपनी वैध आय में काफी अधिक बढ़ोतरी की थी। ये उनकी आय से कहीं ज्यादा है। जानकारी के अनुसार साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। अब देखना होगा कि 26 मई को जो सजा को लेकर बहस होगी, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 29 मई को सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली को संबोधित करेंगे। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने दावा किया है कि रैली में 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया कि 29 मई को सिरसा के ओढ़ा में होने वाली प्रगति रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली में सीएम मनोहर लाल समेत कई नेता शिरकत करेंगे। रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया कि इस रैली में करीब 50,000 लोग शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने पिछले दिनों सिरसा में कार्यक्रम के दौरान 368 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिसका आने वाले दिनों में सिरसा वासियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में सीएम की तरफ से की गई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर काम भी शुरू हो चुका है। देखिए, बहुत बड़ी रैली होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अभी पीछे भी 4 दिन पहले होके गए हैं। उन्होंने 368 करोड़ रुपए बहुत बड़ी सौगात दी है सिरसा जिला को। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने दावा किया है कि 29 मई को सिरसा के ओढ़ा में होने वाली प्रगति रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि दूसरे राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा भीड़ उनकी रैली में होगी। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। अगली खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम पहुंचे निकाय मंत्री कमल गुप्ता पार्षदों के साथ मीटिंग कर रहे थे। उनकी समस्याओं को उन्होंने जाना, साथ ही अधिकारियों और पार्षदों के बीच हुई अनबन को लेकर भी उनका बयान आया है। हरियाणा के निकाय मंत्री कमल गुप्ता गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पार्षदों के साथ मीटिंग की और पार्षदों की समस्याओं को जाना। इस दौरान नगर निगम के चीफ इंजीनियर के साथ गाली गलौज और बदसलूकी के मामले में पार्षद और मेयर टीम एकजुट दिखे और निकाय मंत्री से अधिकारियों की जमकर शिकायत की। पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वो किसी भी फाइल को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि ऑब्जेक्शन लगाकर रोक देते हैं।
पार्षद और चीफ इंजीनियर के बीच बीते दिनों हुए विवाद को लेकर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि जब एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं तो जरूर उनमें अनबन होती है, लेकिन जल्दी तमाम समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। इस दौरान निकाय मंत्री ने शीतला माता मंदिर के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी मांगी और उसे जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। शीतला माता मंदिर का भी जो निर्माण हो रहा है उसकी भी जानकारी ली और उसके बाद सभी पार्षदों के मैंने दर्शन किए, उनकी जो दिक्कतें थी वो मैंने सुनी, उन्होंने बड़े खुले मन से मुझे बताई और उसके बाद मैंने अधिकारियों की भी मीटिंग ली। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। अगली खबर कैथल से। कैथल में किसानों ने बिजली दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों के इस धरने में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी शामिल हुए। कैथल में बिजली दफ्तर के बाहर किसान अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे हैं। किसानों का धरना ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन को लेकर है। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी धरना स्थल पर पहुंचे और बिजली विभाग के एसी काशिक मान से सवाल जवाब किए। साथ ही किसानों की तरफ से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा सिर्फ गरीब किसानों को ही 8 साल तक कनेक्शन से दूर रखा जा रहा है और फैक्ट्री वालों को 2 दिन में कनेक्शन दे दिए जाते हैं। काफी बातों को लेकर एसी बिजली विभाग ने सहमति जताते हुए उच्च अधिकारियों के संज्ञान में बात डालने की बात कही। गुरनाम चडूनी ने एसी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को बिजली दफ्तर में ताला लगा दिया जाएगा। पूरे हरियाणा के तो ये है ही, क्योंकि कनेक्शन पूरे हरियाणा के हैं और इसके पीछे एक बात जो है वो ये है कि सरकार को अगर इंडस्ट्री का कनेक्शन देना हो तो तुरंत मिल जाएगा बिना देरी के। घर का लेना हो तो तुरंत मिल जाएगा, ट्यूबवेल का लेना हो तो नहीं है। उसके पीछे की जो बात है वो ये कहते हैं कि हमें कम रेट में बिजली देनी पड़ रही है। खबर रफ्तार से विस्तार से। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। सिरसा पहुंचे हैं दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सिरसा में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने 29 तारीख को होने वाली रैली के लिए लोगों को न्योता दिया। सिरसा में मंडी डबवाली की अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने डबवाली में 29 तारीख को होने वाली रैली का न्योता भी दिया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि 29 को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा। इस रैली में कई मुद्दों को उठाएंगे जिसमें गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग करेंगे। दूसरी मांग भर्ती खोलने की जाएगी। वहीं कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने के कयासों पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति का अपना स्थान है, हमारा प्रयास सबको साथ लेकर चलने का है। एक धोखा दिया है, वो ऐसी गलती है, उस गलती को वोट की चोट से ही लोग उसका जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति की का अपना स्थान है और हमारा प्रयास है कि सबको साथ लेकर हम चलें। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। खबर रफ्तार से विस्तार से। खिलाड़ियों की खबर। हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती, बॉक्सिंग, कबड्डी जैसे खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा ही रहे हैं, लेकिन अब शूटिंग जैसे खेलों में भी यहां के खिलाड़ियों का रुझान बढ़ रहा है। खेलों में हरियाणा का नाम पूरे देश में नंबर एक पर है। बात चाहे कुश्ती की हो, बॉक्सिंग की हो, कबड्डी की हो, हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ी अपना लोहा मनवा चुके हैं और अब शूटिंग में भी हरियाणा के खिलाड़ी नाम कमाने की ओर अग्रसर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहतक के 3 खिलाड़ी शूटिंग की राष्ट्रीय टीम में सिलेक्ट हुए हैं। चयनित टीम के टॉप 8 में से 3 खिलाड़ी रोहतक के हैं। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल गेम के लिए अक्षर और अक्षित और जबकि 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल गेम में योगेश नरवाल का चयन हुआ है। तीनों ही खिलाड़ियों का कहना है कि उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाली प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करना है। खिलाड़ियों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय स्तर की टीम के चयन में देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। तीनों ही खिलाड़ियों का देश के टॉप 8 खिलाड़ियों में चयन होना गर्व की बात है। शूटिंग का खेल अनुशासित और तकनीकी गेम है। अब इस खेल में हरियाणा के देहात से जुड़े बच्चे भी पकड़ बनाने लगे हैं। तो शूटिंग की तरफ भी खिलाड़ियों का रुझान बढ़ रहा है और इसको और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ के टांडा हेड़ी का जतिन दलाल नौसेना में वो लेफ्टिनेंट बने हैं। जतिन दलाल ने नौसेना में लेफ्टिनेंट बनने से पूरे गांव में खुशी की लहर और उन्होंने भी खुशी का इजहार किया। टांडा हेड़ी गाँव का बेटा जतिन दलाल भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बन गया है। नौसेना अकादमी से पास आउट होने के बाद गाँव पहुंचे जतिन का जोरदार स्वागत हुआ।
ग्रामीणों ने खुली जीप में बैठकर जतिन का स्वागत जुलूस निकाला। आगे आगे ट्रैक्टर, पीछे पीछे मोटरसाइकिल का काफिला और फिर खुली जीप में विजयी, मुस्कान और फूल मालाओं के साथ जतिन दलाल का काफिला आगे की ओर बढ़ता रहा। सिलेक्शन CDS 2019 में हुआ था, उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग दिसंबर में हुई और फिर मेरी 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं पास तक पहुँचने में मुझे सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप, दादा दादी और घर वालों का है और कुछ दोस्तों का भी, जो मेरे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे कि मैं ये सब करने के लिए मतलब काबिल हूँ, आई कैन डू दिस बिकॉज़ ऑफ माय फ्रेंड फैमिली। जतिन की कामयाबी से उसका पूरा परिवार बेहद खुश है। माँ सुमन का कहना है कि आज का दिन उसके लिए सबसे बड़ा दिन है। वहीं जतिन ने गांव वालों का बेहद शुक्रिया अदा किया। जतिन ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने परिवार और दोस्तों की हौसला अफजाई को दिया। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के आदेशानुसार हरियाणा के किसानों को गेहूं बेचने के लिए एक और मौका दिया गया है। किसान 31 मई तक अपना गेहूं बेच सकते हैं, लेकिन चरखी दादरी की मंडियां अभी भी सूनी हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में किसानों को गेहूं खरीद के लिए एक और सुनहरा मौका दिया गया। किसानों ने कहा कि 31 मई तक वो अपना अनाज एक बार फिर मंडियों में बेच सकते हैं, लेकिन दादरी जिले में बनाई गई 5 मंडियों में अब तक एक भी किसान मंडी नहीं पहुंचा। दरअसल किसानों को मंडियों के मुकाबले बाजार में ज्यादा भाव मिल रहा है, जिस कारण किसान अपने फसल को मंडियों की बजाय बाहर बेच रहे हैं। दादरी जिले में इस बार गेहूं की खरीद काफी कम मात्रा में रही है और कल तक इस वर्ष 50,816 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है एफेड द्वारा और पिछले वर्ष 8,25,872 क्विंटल की पूरे सीजन में गेहूं की खरीद की। बता दें, दादरी जिले के अनाज मंडी में पिछले साल 8 लाख से ज्यादा क्विंटल गेहूं की खरीद हुई थी। वहीं अब की बार मंडियों में करीब 60,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है। कुल मिलाकर चरखी दादरी में इस बार गेहूं की खरीद सिर्फ नाम मात्र हुई है। बाजार में भाव तेज होने की वजह से कोई भी किसान मंडियों में आने की बजाय बाहर ही अपनी फसल बेच रहा है। प्रदीप साहू, चरखी दादरी, खबरें अभी तक। तो किसानों की मदद की बात की जा रही है, किसानों की मदद होनी चाहिए, लेकिन कई बार किसानों को इससे नाराजगी होती है कि उनकी मदद की बातें तो की जाती हैं लेकिन होती नहीं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। यमुनानगर से, यमुनानगर में प्लाई फैक्ट्री पर हो रही GST और CST की छापेमारी ने व्यापारियों को परेशान किया है और छापेमारी से व्यापारियों ने परेशान होकर धरना प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है और एक बैठक भी प्रशासन के साथ हुई थी, वो भी बेनतीजा रही। पिछले कई दिनों से लगातार फैक्ट्री में हो रही GST और CST की छापेमारी से व्यापारी वर्ग ने परेशान होकर धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। कई घंटों तक सड़क पर जाम लगाए रखा और प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं शहर की दो अलग अलग जगह जगादी बस स्टैंड चौक और जोड़ियों के नाके के पास व्यापारियों ने अपने लेबर के साथ मिलकर रोड जाम किया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत कर जाम खुलवाया। वहीं रोड जाम से परेशान राहगीरों की भी व्यापारी और उनकी लेबर के साथ झड़प हुई, क्योंकि रोड जाम होने के चलते राहगीरों की आवाजाही की दिक्कत हो रही थी। फैक्ट्री वर्कर ने बताया कि फैक्ट्री पर लगातार CM फ्लाइंग की छापेमारी जारी है, जिसमें यूरिया खाद पकड़ा जा रहा है, जिसका प्लाईवुड व्यापारियों की तरफ से विरोध भी किया गया। वहीं उसके बाद जिला सचिवालय में व्यापारियों और प्रशासन के बीच 3 घंटे बैठक चली। मीटिंग के दौरान व्यापारी वर्ग ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी और कहा कि लगातार उन पर सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। अब व्यापारियों की जिला प्रशासन से हुई बैठक भी बेनतीजा रही। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट, खबर रफ्तार से विस्तार से। अंबाला से अगली खबर, अंबाला में अनीमिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शहर को अनीमिया मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया है। अनीमिया के मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर अंबाला को अनीमिया मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान शुरू किया। अंबाला के DC विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में करीब 1.5 साल से अनीमिया मुक्त अंबाला की मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में करीब 2 लाख महिलाओं के खून की जांच की गई, जिनमें पाया गया कि 3 से 4% महिलाएं अनीमिया से ग्रस्त हैं। DG विक्रम सिंह ने बताया कि यदि कोई अनीमिया से पीड़ित है तो वो अस्पताल में आए, दवाइयों से लेकर खून बदलने तक की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अंबाला की मुहिम चलाई जा रही है, तो इसमें करीबन 2 लाख के करीब महिलाओं के हमने टेस्ट करे हैं, तो उसमें जो पाया गया है 3 से 4% लगभग जो सीवियरली एनीमिया से ग्रस्त जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो हैं। उन्होंने कहा था कि जिन मरीजों में खून की ज्यादा कमी है उन्हें अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। साथ ही DC विक्रम सिंह ने बताया कि सभी SDM को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं नारायणगढ़ एरिया में एनीमिया से प्रभावित महिलाओं का लगातार फॉलो अप लिया जा रहा है।
अगली खबर एक मिनट में पूरी रिपोर्ट फरीदाबाद से। फरीदाबाद में बैटरी बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई, आग की लपटें आसमान छूती नजर आई। इस हादसे में भारी जान माल का नुकसान। फरीदाबाद में बैटरी बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई, हादसे में 3 कर्मचारियों की जलने से मौत हो गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड विभाग और पुलिस को दी गई, हालांकि अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। हाल ही में दिल्ली के मुंडका में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में तकरीबन 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग झुलस भी गए थे। इतना ही नहीं, इस हादसे में कई लोग लापता हो गए थे। इसके बाद एमसीडी की 6 टीमों ने इस इलाके का सर्वे किया था। हालांकि घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जमकर चला। वहीं फायर चीफ सर्विस ने कहा कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसे फायर विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिली थी। वहीं दिल्ली के ही बवारा में भी यही हाल है, आग थिनर फैक्ट्री में लगी थी। 17 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फरीदाबाद में आग से कंपनी मालिक को काफी नुकसान हो गया और आसपास के कंपनी मालिक सहमे हुए हैं। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट यमुनानगर से। अगली खबर, हाल ही में यमुनानगर जिले से खबर सामने आई थी कि यूरिया खाद को अवैध रूप से प्लाईवुड फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है। लगातार शिकायतें मिल रही थी। अब शिकायतों की अगर बात की जाए तो अब जाकर देश के कई राज्यों में प्लाईवुड फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई है। डायरेक्टर ऑफ फर्टिलाइजर के निदेशक के नेतृत्व में देश के कई राज्यों में प्लाईवुड फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई। हरियाणा, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में हुई इस कार्रवाई से प्लाईवुड फैक्ट्रियों के मालिकों में हड़कंप समझ गया। इन सभी राज्यों में जो यूरिया खाद फसलों के लिए भेजा जाता है उस यूरिया खाद को फैक्ट्रियों में अवैध रूप से इस्तेमाल में लाया जाता है। बता दें कि यमुनानगर जिले में 6 प्लाईवुड फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई। हमारे यहाँ यमुनानगर में यूरिया का यूज होता है, उसी को डाइवर्जन को देखने के लिए टीम आई थी। और वहीं कार्रवाई के बीच में बाधा डालने के आरोप में यमुनानगर की 3 फैक्ट्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। 4 प्लाईवुड फैक्ट्रियों में टेक्निकल ग्रेड यूरिया के सैंपल लिए गए। आपको बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अगली बार किसानों को मिलने वाले यूरिया खाद को अवैध रूप से प्लाईवुड फैक्ट्रियों में इस्तेमाल न लाया जाए, इसके लिए भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। अगली खबर, पैक्स घोटाले को सोसाइटी घोटाले को लेकर। पैक्स सोसाइटी घोटाला मामले को लेकर संडील गांव के किसानों ने श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री के जवाब से असंतुष्ट किसानों ने बड़ी चेतावनी दी। पेगा गांव के पैक्स सोसाइटी घोटाले में शामिल पैक्स कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गांव संडील के किसानों ने श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक से मुलाकात की। अधिकारियों से जानकारी जुटाने के बाद मंत्री ने ग्रामीणों से कहा, पेगा पैक्स घोटाले में 5 कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन किसान मंत्री अनूप धानक के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे किसान बलजीत ने कहा, पिछले 3 साल से हर अधिकारी और मंत्रियों की चौखट पर इंसाफ की मांग को लेकर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अभी तक घोटाले में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। जानबूझकर मामले को लंबा खींचा जा रहा है। पीड़ित किसान सोमवार को इंसाफ की मांग को लेकर कीटनाशक की बोतलों के साथ पंचकुला सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। किसानों ने कहा, घोटाले मामले में हरियाणा के सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे, अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो कीटनाशक पीकर जीवन लीला समाप्त करेंगे। 2 साल पहले ये मामला मेरे सामने आया था और उसमें जो FIR दर्ज हुई थी, जो गिरफ्तारियां करने के लिए कहा है, तो गिरफ्तारियां हो चुकी है। अगर कोई पेंडिंग है तो दोबारा कोई उस टाइम वो डिस्पोज होगी थी यहाँ से शिकायत। अगर कोई पेंडिंग है तो उसकी कोई शिकायत लिख के देंगे तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर। रशिया और यूक्रेन में लगातार जंग जारी है और इस बीच रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन जंग में रूस को एक बड़ी सफलता मिली है। मारियोपोल का अजोवस्टल स्टील प्लांट अब पूरी तरह से रूस की सेना के कब्जे में आ गया। प्लांट में छिपी 2439 अजोव लड़ाकों और यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। मारियोपोल में ये स्टील प्लांट ही एक ऐसी जगह थी जो रूस की सेना के सामने खड़ी थी। यहाँ पर छिपे हुए लड़ाके लगातार हमला बोल रहे थे और उसके कब्जे से पूरी तरह से मारियोपोल और उसके आसपास का इलाका रूसी सेना के अधिकार क्षेत्र में आ गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्टील प्लांट में छिपे अजोव नाजी लड़ाकों और यूक्रेनी सैनिकों के आखिरी दल ने रूसी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। इस आखिरी दल को मिलाकर अब प्लांट से 2439 लड़ाके सरेंडर कर चुके हैं।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने सिलेंडर का एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में अजोव लड़ाकों के शरीर पर नाजी टैटू और निशान साफ दिख रहे हैं। रूसी सैनिक और मलेशिया के लड़ाके यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं और अजोव सैनिकों के सामान की तलाशी करते हुए ये देखे जा रहे हैं।